हेलो गाइस, आई एम पुष्पेंद्राकर एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बिग अपडेट देने वाला हूँ मैं रिलेटेड टू 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ये जो न्यूज़ है ये एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उन्होंने ये एमपी बोर्ड का अनाउंसमेंट है। हमारे जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 10th और 12th के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आपको क्या अनाउंसमेंट है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम होंगे और उनके एग्ज़ाम की डेट है 8 जून से 16 जून के बीच में। जी हाँ, 8 जून से 16 जून के बीच में 12th के एग्ज़ाम होंगे जितने भी बचे हुए हैं, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम होते हैं वो इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि आगे एडमिशन प्रोसेस में ज़रूरी पड़ेगा। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है वो 10th के लिए कि अब उसके एग्ज़ाम नहीं होंगे। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं एग्ज़ाम से ही आपके परसेंटेज डिसाइड होंगे और बाकी के जितने भी आपके एग्ज़ाम रह गए हैं उनके सामने आपको पास लिख दिया जाएगा। मतलब उनमें से तो आपको पास लिख देंगे और प्रीवियस के जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं उनमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी से आपके परसेंटेज डिसाइड होंगे। आगे के वीडियो में खुद ही उनका वीडियो चला देता हूँ, तो फिर आप उनमें देखिएगा। आज हमारे स्कूली शिक्षा विभाग ने, सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनेकों महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। कक्षा 10 की परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल लेता है उसके कई पेपर हो चुके थे, जो शेष बचे पेपर है, जो शेष बचे विषय हैं उनकी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उन्हीं विषयों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी और जो विषय बचे हैं उनके सामने केवल पास लिखा जाएगा। 12वीं की परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल देता है, बोर्ड की परीक्षा, वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस परीक्षा के परिणाम बच्चों के भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसलिए जरूरी है कि वो परीक्षा पूरी ली जाए। इसलिए 12वीं की परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र शेष रह गए थे अब उनकी परीक्षा दिनांक 8 जून 2020 से 16 जून 2020 के मध्य आयोजित की जाएगी। CBSE के परीक्षा की तिथियां भी घोषित हो चुकी है। हमारे 12वीं के बच्चों का भविष्य प्रभावित ना हो इसलिए हमने ये परीक्षाएं लेने का फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला हमने किया है, दिनांक 19 मार्च से प्रदेश में लॉकडाउन रहने के कारण और लॉकडाउन रहने की अवधि तक सभी निजी विद्यालय विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे, केवल ट्यूशन फीस, क्योंकि इस अवधि के दौरान स्कूल बंद रहे हैं, ट्यूशन फीस जरूरी है ताकि वो विद्यालय चल सके। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क इस अवधि के बीच, लॉकडाउन की अवधि के बीच का, बच्चों से नहीं लिया जाएगा। चाहे वो स्पोर्ट्स का शुल्क हो, लाइब्रेरी शुल्क हो, बसों का हो, किसी भी प्रकार का शुल्क जो ट्यूशन फीस के अलावा लगता था वो नहीं लिया जाएगा। स्कूल खुलने के बाद विद्यालय अपना फैसला करेंगे, लेकिन इस अवधि में कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक के बाद एक कई पैकेज देश को दिए हैं। आज हमारे वित्त मंत्री जी ने जो पैकेज घोषित किया है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है, स्वदेशी उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया है, कोयला खनन में कॉमर्शियल माइनिंग, आर्डनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन के लिए विशेष बजट जैसे कदमों से भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ेगा। पीपीपी मॉडल से एयरपोर्ट का विकास एवं एयर स्पेस के विस्तार से यात्रियों के समय और पैसे की बचत होगी, जिससे आने वाले समय में भारत पूरी ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर बढ़ेगा।